गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग शुरू होते हैं। कल द का यूज हम लोग देखे थे, आज द के कुछ विशेष प्रयोग भी देखते रहेंगे। और उसका कॉमन प्रयोग जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नदी नाला के पहले, जो फिक्स है वो तो फिक्स है, जो फिक्स नहीं है, जहाँ थोड़े बहुत रुकावटें आती है, थोड़ी बहुत व्यवधान आते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम लोग पहले लिए हैं ताकि उससे क्वेश्चंस की जटिलताओं को समाप्त किया जा सके। आइए हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट द के लिए। द इज यूज्ड before the first noun in the structure noun plus of या in plus noun। यानी noun plus of या in plus noun की बनावट में, की बनावट में प्रथम संज्ञा के पहले, द का प्रयोग किया जाता है। अब इस एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। कभी कभी आप जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, नो आर्टिकल्स का प्रयोग, तो पता चलेगा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें प्रायः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, जैसे अनकंटेबल नाउन हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया, दिन महीना के नाम हो गए, व्यक्ति के नाम हो गए, इन सब में प्रायः नहीं लगते। लेकिन लगते कब हैं ये देखना है, नाउन प्लस ऑफ या नाउन प्लस नाउन जब हो तो सब प्रथम बनावट में द का प्रयोग ही होगा। जैसे मैंने कहा द लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज फेमस। प्रायः हम लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, नहीं लगाते हैं। लेकिन किसी खास के प्यार को हम बता रहे हैं, द लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट, द लव ऑफ ए कुमार इज नोन टू ऑल, द लव ऑफ हीर रांझा इज फेमस, किसी के प्यार को, खास प्यार को दर्शा रहे हैं। इसी तरह मैटेरियल नाउन में भी द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। किसी व्यक्ति को भी हम डेफिनेट करेंगे तो लगेगा द एनीटा ऑफ क्लास 9 या क्लास 10 इज क्यूट। ये 10 वाली क्लास की जो लड़की है अनीता, वो बहुत खूबसूरत है, यानी सुंदर है। हम लोग डेफिनेट किए हैं, खास अनीता को लिए हैं। महीना को भी ले सकते हैं, द मे ऑफ 2010 वॉज वेरी हॉट। हमने खास महीना को इंडिकेट किया है 2010 के में, इसलिए यहां पर द का प्रयोग हुआ। लेकिन बंधु याद रखना एक्सेप्शंस को, है ना। ए कप ऑफ टी, कॉफी, ए ग्लास ऑफ मिल्क, आखिर ये यहां क्यों लगा। यहां पर यह सिंगुलर काउंटेबल है, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब ऑफ के बनावट में हो
तो उसमें हम लोग एक का प्रयोग करेंगे, उच्चारण के हिसाब से एन भी लग सकता है, परंतु ए एन को हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगावें, बाकी जहाँ जहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते हैं प्रायः उसको हम डिफिनिट करने के लिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की बनावट में द का ही प्रयोग करेंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे। एक और इसका अगला है जो ये सब इम्पोर्टेंट एपिसोड से इसको लेना है। अभी हम लोग देख रहे हैं द का प्रयोग अगला। द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू गिव द सेंस ऑफ डेफिनिटी। निश्चितता का बोध कराने के लिए, डेफिनिटी शो करने के लिए, किसी खास पर जोर मारने के लिए, उसी पर इंगित करने के लिए, उसी पर जोर मारने के लिए द ही लगेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मदर गिव मी अ मैंगो, मेरी माँ मेरे को एक आम देना। आप एक आम मांगे हो कोई बात नहीं, लेकिन कहोगे माँ मुझे वही आम देना जो मैंने कल खरीदा था। मदर गिव मी द मैंगो आई बाउट स्टडी। अरे उस लड़की को बुलाओ जो गेट पर खड़ी है, कॉल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। ये नहीं जो कॉल द गर्ल, तब तो किसी लड़की को बुला कर ले आएगा, जाओ सुकुमार सर बुला है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप डिफिनिट कर दिए हैं, द गर्ल हु इज सिटिंग देयर इज माई फ्रेंड, वह लड़की जो वहां बैठी हुई वही मेरी दोस्त है, दूसरी नहीं। द ट्री व्हिच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज हॉन्टेड, वह पेड़ जो नदी किनारे वह भूथा है। हम लोग उस रेस्टोरेंट में मिले थे जहां है ना रामू की शादी हुई थी, हमने उस रेस्टोरेंट को इंगित किया है, जोर दिया है। अरे वह किताब मेरी है जो टेबल पर है, वही किताब जो टेबल पर है वही मेरी है, दूसरी नहीं। अतः ऐसे नाउन में द का प्रयोग करेंगे, चूंकि आगे कुछ ना कुछ बात बोल करके पीछे जोड़ दिया गया है, इसमें डेफिनिटी शो की गई है, और इस डेफिनिटी शो करने वाले में हम सिर्फ द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स को देखोगे, मदर माय गिव मी द मैंगो आई बाउट स्टडे। यदि यहां पर बंद हो, इस बात को हम लोग नहीं आगे बढ़ाते, तो यहां पर अ का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता, लेकिन आप बात बढ़ा करके पीछे वाले नाउन पर जोर दिए हो, इस द का प्रयोग हुआ है। कॉल द गर्ल, कॉल नहीं, कॉल द गर्ल। अभी सिर्फ जनरल प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं ताकि आप समझ सको, हम लोग परसों बेसिक क्लास लेंगे और बेसिक के साथ स्पोकन होगी, उसमें आप बड़ी मजा लेने लगेंगे परसों से। कल भी स्ट्रक्चर होगी, परसों भी स्ट्रक्चर होगी, फिर आपके मजा आने लगेंगे। ग्रामर थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन ग्रामर मेन चीज है शुद्धिकरण के लिए, आप जानेंगे शुद्ध लिखना बोलना और पढ़ना, इसलिए ग्रामर को देखते रहें। कॉल द गर्ल, उस लड़की को बुलाओ हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ी है, यानी कोई और लड़की को नहीं, जो वहां खड़ी है। आप इस बात को बढ़ा करके इस लड़की पर जोर देना चाहे हैं, खास को इंगित किए हैं, अतः द का प्रयोग होगा। यहां एक करेंगे तो किसी को बुला लेंगे, किसी एक को अनिश्चित हो जाएगा, दिक्कत होगी। आप जानते हैं द ही डिफिनिट है, इसलिए द को ही प्रयोग करके हम डिफिनिट शो कर सकते हैं, डिफिनिटी शो कर सकते हैं। आइए अगला प्रयोग है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ डायरेक्शन या फिजिकल पोजिशन। दिशा या भौतिक दशा, ये तो आप लोग जानते हो कि बचपन से इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। आप किसी भी दिशा को इंगित करते हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, द लगा दो, द वेस्टर्न बोलते हो, द साउथर्न बोलते हो, नहीं। इसके बाद
हम लोग को फिजिकल पोजीशन जाननी है। फिजिकल पोजीशन चाहे कोई भी हो, आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, बीचों में हो, इसमें समय दो। आपने गाना सुना होगा, ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो सब बगल फिजिकल पोजीशन जो बता रहा हो इसमें हमेशा दो देना, जैसे तू देखो, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ये सारे होंगे। आप फिजिकल पोजीशन में टॉप, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप दोगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, गो टू द लेफ्ट, द लेफ्ट ऑन द रोड, सड़क पर बाईं ओर चलो। बंधु एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा देखना हो तो आप आर्टिकल के पुस्तक को जरूर लेकर के अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बार बार आप 100-150 क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी तो बोर्ड पर हम ऑनलाइन ले रहे हैं, समय की सीमा होती है, लाइन अभी इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी धोखा देता है, लाइट का एसी बंद है, फिर भी क्लास तो चलनी है, चलती रहेगी। अब हम लोग लेते हैं अगला, बिफोर द नेम ऑफ अन इन्वेंशन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अभी आविष्कार, आविष्कार चाहे कोई भी हो, उसके नाम के पहले आप लोग द लगाओगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र, जो भी हो, ये सब कॉमन है, याद रहेगा। एक एक बार एग्जांपल्स को देख लो। जैसे कि मान लो हम लोग देते हैं कि द रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कनी, आई प्ले ऑन द हारमोनियम, गिटार, तबला, इत्यादि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या इन्वेंशंस के नाम हो, आप द का ही प्रयोग करोगे, लेकिन सिर्फ नाम में। इसमें थोड़ी सी दुविधा है, बट को खट से देखना है। जब संख्या बतानी हो तो आप कह सकते हो, आई बाउट अ रेडियो, सिंगुलर है इसीलिए, हारमोनियम, तबला, कुछ भी, टेबल नहीं, तबला। लेकिन जब एक से अधिक हो, ही हैज टू रेडियोज या हारमोनियम्स, तो नो आर्ट की। यहाँ संख्या बताने के लिए हम लोग लिए हैं, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए अपवाद पर देखेंगे, बट पर यानी एक्सेप्शन पर देखेंगे। देर इज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में होती है, देर इज एवरीवेयर यू कैन सी, प्रत्येक जगह आप देख सकते हो। इफ देर इज नो एक्सेप्शन, देर इज नो ग्रामर, ग्रामर है, एक्सेप्शन होंगे। आगे आइए, हम लोग द का अगला ले रहे हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सीधे इसको कर दो, शरीर के अंग या अंगों के नाम के पहले आप लोग क्या करोगे, द। जैसे करोगे द आईज ऑफ रेखा, आईज ऑफ
रेखा, आपके पहले आज बहुवचन है इसलिए आ लोगे, वेरी अट्रैक्टिव। रेखा की आंखें बहुत ही आकर्षक हैं। यहां पर आपने दिया कौन सी, द सी काउट मी, वह मेरे को पकड़ ली, किसको पकड़ी, मेरे को, बाय द रिस्ट, बाय द वेस्ट, चाहो कमर पकड़ी, कलाई पकड़ी या टंगरी पकड़ी, कुछ भी पकड़ी, अंग को पकड़ी। इस अंग के नाम के पहले हम लोग द का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन संख्या में यदि अंग को बताना हो तो फिर से वही बात, बट पर ध्यान देना होगा कि आई हैव अ नोज, यदि यहां वन रहता तो आर्टिकल नहीं लगता। एवरीबडी हैज टू आईज, अब यहां पर एक से अधिक हो गया था, लगाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दोगे सिर्फ सिंपल ही, केवल किताब के माध्यम से या फिर पुराने गुरुजी जो होते हैं सिर्फ लिखाते द का प्रयोग, अरे वो ले लेगा एक गियर फिर से, जहां जहां अपवाद है विवाद है वहीं देखना ठीक से है, बाकी तो होगा। जैसे हम भी बताएंगे नदी नाला इस सब में द फिक्स है, थोड़ी ही देर में उसको हम लोग खत्म करेंगे और द को हम लोग लगभग ले चुकेंगे। बिफोर फर्स्ट सेकेंड लास्ट नेक्स्ट, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्रमवाचक विशेषण। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स जस्ट आफ्टर इट, आप लोग देख लोगे। इंग्लिश में जो दिक्कत होगी तो हम हिंदी मीडियम भी लाएंगे, लेकिन अभी इंग्लिश को तो हिंदी हम लोग बोलते ही हैं, फिर बुक्स आपके पास होंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट नेक्स्ट, ये सब क्या है, क्रमवाचक विशेषण, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। उसके पहले द का प्रयोग तभी होता है बंधु जब इसके ठीक बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए। जैसे ही वेंट टू पैटना, बाय द फर्स्ट या लास्ट बस, यहां पर बस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अतः द फर्स्ट, देख रहा हूं ना, सी केम हियर बाय द लास्ट ट्रेन, क्रमवाचक विशेषण के पहले। आप सभी लोग देख रहे हो द का प्रयोग हुआ जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए हैं, राइट ना। अब हम लोग और भी चलेंगे थोड़ा सा, द इज यूज्ड, जब इसको देखोगे थोड़ी पेचीला है, बिफोर अ कंपरेटिव डिग्री क्या है थोड़ी देर में बताएंगे। When there is the sense of selection or contrast, जब बंधु कॉम्परेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कंट्रास्ट का बोध हो
चुनाव या विरोध का बोध हो तभी हम द का प्रयोग करेंगे, हर वक्त नहीं। इसीलिए सबके मस्तिष्क में होता है कॉम्पिटिटिव के पहले द लगता ही नहीं है। आइए एग्जाम्पल को देखें हम लोग, कब लगता है कब नहीं। ये एग्जाम्पल है, सीज फैक्टर ऑफ द टू, मैं बता रहा हूं लेकिन इसके बट पर ज्यादा ध्यान दोगे, सीज फैक्टर देन रानी, यहां पर तुलना हुआ कंपैरिजन, सीज एक वचन पद के साथ तुलना है एंड कंपैरिजन विद अ सिंगुलर पोस्ट। अब तीसरी तो भयंकर है, ये भी तो देखना है। दो कंपरेटिव जब भी होंगे, कंपरेटिव एडजेक्टिव्स, तो ये फ्रेज बन जाते हैं, कहावत। अतः ध्यान से देखना है, जब भी कंपरेटिव डिग्री आए थोड़ा सा रुकना। कंपरेटिव के अंत में ईआर लगा होता है या एमवाई मो कंपरेटिव होता है, लेस कंपरेटिव होता है। कंपरेटिव जब भी हो तो दो के बीच ही तुलना दिखाएगा, दो में से सेलेक्शन कंट्रास्ट दिखाएगा, तीन या तीस नहीं। ये नहीं कहोगे ऑफ द टू के जगह से ऑफ द थ्री हो, फोर हो, सुपरलेटिव हो जाएगा। वहां सुपरलेटिव में दो बताए थे, ध्यान देना। जब ठीक कंपेटिव के बाद ऑफ द टू हो तो समझ जाना यहाँ चुनाव या विरोध हो रहा है। जही चुनाव है वहीं विरोध होगा। मान लो दो आदमी खड़े हैं, एक को चुनोगे तो एक का तो विरोध करना पड़ेगा। अतः चुनाव विरोध का दोनों का सेंस एक ही जगह होता है। तो जो ऑफ द टू, दो में से, दो लड़कियों में से वह ज्यादा मोटकरी है, ज्यादा मोटी है, इस कारण से इसमें द लगा है। लेकिन सिर्फ देन हो तो देन में कंपैरिजन का बोध होता है, तुलना। और तुलनात्मक ढंग से हम कंपेटिव के पहले कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर पेचीला आ जाएगा। जब देन के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो पद के साथ तुलना हो रहा है, क्योंकि सिंगुलर पद है और व्यक्ति सिंगुलर है। अतः उसमें एक का प्रयोग, यहीं पर गलती करता है लोग, कहता ये क्या हो रहा है। अरे भैया कुछ नहीं, कुमार पंडा हो रहा है, पूरा पकड़िए, ठीक ना। और यदि दो दो कॉम्पिटिटिव हो एक ही वाक में, इधर भी उधर भी, तो समझे कहावत बन जाता है, फ्रेज, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आपके पास है उतना ज्यादा चाहते हैं। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आप पाते उतना चाहते हो। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, जितना तुम ऊपर जाते हो उतना ठंड महसूस करते हो। द लोअर वी गो द वार्मर वी फील, जितना नीचे हम लोग जाते हैं गर्म लगता है। हर एक अंदरूनी भाग थोड़ा गर्म होता है ऊपरी भाग की अपेक्षा। आप मुंह में डालो गर्म लगेगा, नाक में डालो गर्म लगेगा, कहीं भी डालो अंदर गर्म लगेगा। तो इसलिए कहा गया द लोअर वी गो द वार्मर वी फील, द सूनर द बेटर। तो सोच लियो जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। आप देख रहे हो ना, दो दो कॉम्पिटिटिव्स हैं, कहावत बन जाएंगे, अथवा दोनों में द। हम लोग थोड़ी गर्मी कारण आज हल्के कम लेंगे, एक बोर्ड पर हम थोड़ा सा और दिखाएंगे बचपन वाला द का प्रयोग। उसके बाद एक टेस्ट पेपर हम लोग लाएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बाद। उस पेपर में जो जो क्वेश्चंस जहां जहां बनेंगे और एक आध पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो उसको भी हम समझाते हुए चलेंगे। थोड़ी ही देर में हम लोग पीली बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिसको फिर हम बताएंगे। वहाँ ऑलवेज द होता है, कहीं कहीं अपवाद है, उसमें ज़्यादा अपवाद नहीं है, इसलिए उसको बचपन की तरह ही पढ़ते हुए चले जाएंगे, समय को बचाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं।
तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नदी के नाम के पहले द तो लगाएंगे द, समुद्र के पहले द तो लगाएंगे द, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसको एक नज़र देख लेना है, जब बुकलेट लेकर क्वेश्चंस को बनाओगे उसकी डिस्कशन भी होगी तो बल्कि बहुत ही क्लियर हो जाएगी। नंबर दो, बिना बुक के और थोड़ी सी वीडियो से पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमारे हर एक यूनिट आपको लेना जरूरी होगा। लॉकडाउन के बाद आप कोई भी विद्यार्थी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो जिससे भी बढ़िया बनेगी। अभी शुरुआत है, ट्रायल पर हैं, जब अच्छी वीडियो बनेगी उसका हम डाउनलोड करके आपको पेन ड्राइव में दे सकते हैं, वो भी मात्र यहाँ के रजिस्टर्ड बच्चे को ही नहीं बल्कि कोई भी बच्चे ले सकते हैं और उसको आसान फी में, बात मात्र रजिस्ट्रेशन फी में आप ले सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग देखते हैं, जैसे किसी भी नदी के नाम के पहले द, अब रिवर में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो भी हो सब में द, किसी भी सी, सी में देखते हो सी लगा हुआ है, किसी भी समुद्र में द, कैनल नहर है, स्वेज कैनल हो या कोई कैनल द, गल्फ द पर्शियन गल्फ खाड़ी में द, ओशियन द इंडियन ओशियन, देखते हो ना इंडियन ओशियन, ओशियन में द, बे ऑफ बंगाल बे में द, बे मने भी खाड़ी, और देखते हो क्लब में, क्लब के नाम में क्लब जुड़ा हुआ है द, बैंक बैंक में द। अब कहोगे सर हम देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक लगी हुई है लेकिन उसमें द नहीं, बोर्ड बैनर पोस्टर एडवर्टीजमेंट के जितने माध्यम है उसमें लगाना छूट है, आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन तुम्हें लिखते वक्त लगाना है, बोलते वक्त लगाना है, अच्छी अलंकारिक इंग्लिश होगी। आइए हम लोग ट्रेन में देखते हैं, जरूरी नहीं राजधानी एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस भी हो सकता है, वैशाली एक्सप्रेस भी, कोई भी ट्रेन का नाम लिखोगे द के साथ लिखना। शिप में टाइटेनिक हो, विक्रांता हो, कोई भी हो, एम्पायर में एम्पायर लगा हो, एम्पायर मीन साम्राज्य, आपने पढ़ा होगा मुगल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, सारे साम्राज्य में भी द का प्रयोग होगा। डायनेस्टी में डायनेस्टी शब्द लगी हुई है, गुप्ता डायनेस्टी, रोमन डायनेस्टी, सारे में। गवर्नमेंट्स ब्रांचेज या जुडिशियरी हो, एक्सिक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, सारे ब्रांचेज में द का प्रयोग होगा। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी द का प्रयोग, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, अंडमान निकोबार्स, एक निस्म अपवाद है। सिंगल एलोन जो होता है, अकेला द्वीप, उसमें नहीं लगता है। जावा, सुमंत्रा, सिसली, श्रीलंका, ये सब अकेला द्वीप हैं, इसमें प्रयोग नहीं करना है आर्टिकल्स का। और माउंटेन इन हिल्स है ना, हिल्स में भी आप लगाओगे, आल्प्स हो, हिमालयाज हो, सब में, परंतु माउंट एवरेस्ट अकेला चोटी को दर्शाता है, इसलिए उसमें द का प्रयोग नहीं होता है। अगले दिन क्वेश्चन के माध्यम से हम लेंगे, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स, इसको नो आर्टिकल्स कहते हैं। आप आर्टिकल पूरे पढ़ लिए उससे कोई फायदा नहीं जब तक नो आर्टिकल आपके साथ ना हो। आप जरूरतमंद देखेंगे जितने नियम पढ़े हैं सबको आप फेल करता चल जाएगा, क्योंकि बगल का ग्रह जो होता है बहुत सताता है, बगल वाली का बड़ी इंपॉर्टेंस है, या तो सुखदाई होगी या दुखदाई होगी। अतः हम लोग कल देखेंगे कब कब सुखदाई और कब कब दुखदाई है, इसके बाद आर्टिकल्स का निचोड़ होगा और तब हम लोग क्वेश्चंस को लाएंगे और बोर्ड पर क्वेश्चंस को भी बताएंगे। जब तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी नहीं आ जाती है ठीक से, बोर्ड नहीं आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जब तक ऑनलाइन पूरे प्रोसेस में नहीं आते हैं तब तक बोर्ड पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा, अनहीं तो स्टॉल चलते रहता, हम आपको बताते स्टॉल चलता तो, या फिर और भी माध्यम होते, लेकिन हम तो देख रहे हैं जब तक डेली लॉकडाउन टूट नहीं जाती है, डेली सामान नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको इसी रूप में टीचिंग मेथोलॉजी चलती रहेगी। तब तक के लिए हम लेते हैं ब्रेक, आज गर्मी भी बहुत है। ओके, बाय बाय।